हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, आज की क्लास हमारी थर्ड क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आज हम पढ़ेंगे इक्वलेंट रेजिस्टेंस और डिफरेंट शेप के रेजिस्टेंस फाइंड करना, और अगर उनकी ज्योमेट्री चेंज करते हैं जैसे लेंथ स्ट्रेच कर दी, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। वेरिएबल रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये सब सीखेंगे। पिछली क्लास में अब तक हम पढ़ के आए दो क्लास में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी और माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन और कलर कोडिंग, ये सब चीज़ सीख चुके हैं हम। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसे हमने पिछली बार कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की ग्रुपिंग पढ़ी थी, तो अब सिचुएशन ये आ चुकी है चैप्टर में आगे बढ़ना है तो मैं ग्रुपिंग का थोड़ा आइडिया हो, ठीक है? फिर हम इसी तरीके से रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस, उनको जोड़ना तोड़ना, उनकी लेंथ बढ़ाना, ये सब सीखेंगे, ठीक है? तो ग्रुपिंग बता देता हूँ पहले आपको मैं, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है? और अभी हमारे कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुपिंग के रह रखे हैं। मैंने बताया था कि एक साथ पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम सारी ग्रुपिंग पढ़ेंगे। तो सीरीज होता है बच्चों जब एंड टू एंड जॉइन करे जाते हैं रेजिस्टेंस। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? और यहाँ बैटरी लगाती है ऐसे। देखो हम चाहते हैं ये बैटरी है, तो ये टर्मिनल ए, ये बी, तो वी कितना होता है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है? ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये आर टू और ये आर थ्री। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को हटाया जाए, और अगर मान लो इस बैटरी से करंट आ ही जा रहा है तो इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लाया जाए। सेम बैटरी अगर मैं उसके अक्रॉस लगाऊँ उस रेजिस्टेंस के, तो उतना ही करंट जाए जितना इन तीनों से जा रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो ये हमने 10th में भी डिराइव किया था, तो डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है इसके जो कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, करंट जो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज है, बैटरी चार्ज को पंप करती है, तो यहाँ से चार्ज गया, इन सब से गुजरते हुए गुजरते वापस यहाँ जाएगा, ठीक है? जितना चार्ज आपने भेजा था उतना ही वापस आएगा, लेकिन क्या होगा, मतलब उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। आगे सोचो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ऐसे होते हैं जैसे स्पीड ब्रेकर, मतलब यहाँ से चार्ज पंप हुआ बड़ी तेज से जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे स्लो, मतलब वोल्टेज ऐसे जाएगा, फिर स्लो, फिर ऐसे। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं एनर्जी को, और एनर्जी का मतलब पोटेंशियल। तो देखते हैं कैसे। तो करंट तो सबसे सेम हुआ, ठीक है? सबसे सेम जा रहा है, जितना करंट जा रहा है उतना वापस आ रहा है, ठीक है बच्चों? अब देखो यहाँ पे, देखो ए ए ए ए ए, मतलब यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, तो यहाँ पे भी वी ए, वी ए, वी ए, ठीक है? फिर देखो यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और यहाँ के कितना हो जाएगा बी, ठीक है? तो यहाँ का पोटेंशियल बी, यहाँ का नहीं, बी नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो जैसे मैंने यहाँ का पोटेंशियल वी ए लिखा, तो यहाँ वी डैश हो गया, यहाँ तक वी डैश होगा, ठीक है? फिर चेंज होता जाएगा वी डबल डैश, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, कोई भी कंपोनेंट आ जाए, तो वोल्टेज चेंज करता है हमेशा, ठीक है? तो ये वी डबल डैश, वी डबल डैश। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो बी ही आ जाएगा, वी बी है ना? तो देखो अगर मैं कहूँ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन है, इसके क्रॉस वी टू है और इसके क्रॉस वी थ्री है, तो जो वी वन होगा दैट विल बी, वी वन होगा बच्चों बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वी ए माइनस वी डैश, ठीक है? वी टू जो होता है कितना हो जाएगा, वी डैश माइनस वी डबल डैश, और वी थ्री जो होगा वी डबल डैश माइनस वी बी, ठीक है? इस तरीके से तीन पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं इन टोटल लिखना चाहूँ तो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है? ऐसे लिखें तो देखो वी कितना हो जाएगा, वी वन कितना हुआ बच्चों, देखो इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है? प्लस इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस, भाई ओम्स लॉ, वोल्टेज जो होता है करंट इंटू वोल्टेज, वी जो होता है ना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना है। और ये हो जाएगा आई आर थ्री, ठीक है? V इक्वल टू आई आर। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों को हटाएं और एक रेजिस्टेंस लेके आए, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आई आर इक्वेलेंट, ठीक है? तो आर इक्वेलेंट आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है? ऐसे एन हो जाए, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, जैसे आर नोट ऐसे ऐसे, कितना हो जाएगा बच्चे एन आर नोट, ठीक है? रेजिस्टेंस इक्वलेंट, ठीक है?
तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर नॉट। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो इसके बाद, अब जैसे अगर मान लो यही पैरेलल में हो बच्चों, ठीक है। अच्छा एक चीज और सिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये आपने पोटेंशियल देखा, ठीक है, ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। बस मेन चीज ये है कि सीरीज में करंट सेम होता है, सेम मतलब इक्वल नहीं बोलते, इक्वल और सेम में अंतर होता है। सेम वही जो इनसे गया इससे इतना ही जाए, इससे इतना जाए। इक्वल का मतलब इक्वल क्वांटिटी, अलग अलग फ्लो की वजह से हो सकता है, सेम बोलना है, ठीक है। ये बात मैंने पैरेलल में और समझ में आ जाएगी आपको। कि अब देखो जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि यार ये रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, और ये वोल्टेज है। यहीं पे एक और बात समझाता हूँ, जैसे ये वी ए है, यहाँ वी बी है, तो बताओ वी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी, ये आर वन ये आर टू। मैं एक ना पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट ऐसे चलता जा रहा है, जैसे किसी टाइम वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ एक्स के साथ पोटेंशियल का, मतलब इस पॉइंट के पोटेंशियल का, जो ये पॉइंट है जैसे चलता जाएगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है एक्स। मतलब मैं इस पॉइंट, जो एक पॉइंट है वेरिएबल जो खिसकता जा रहा है ऐसे, उस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स के साथ प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों आप देखो ऐसे बना लिया मैंने, अब सोचो पोटेंशियल गिरता जाता है जैसे जैसे रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, पोटेंशियल गिरता है तो करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डीएक्सीलेट होंगे, ऐसे सोचो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ तो होगा पोटेंशियल। मान लो इनिशियली देखना इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब हमें वी ए वी ए वी ए तो पोटेंशियल वी ए, तो यहाँ तक कुछ नहीं आया अभी देखो रास्ते में, तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा लीनियरली, ठीक है। लीनियरली कैसे पता लगा सर आपको? तो रेजिस्टेंस जो होता है ना रो इंटू लेंथ अपॉन ए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शन, और वी इक्वल टू होता है आई आर, तो आई वी प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया नहीं लगभग कहीं, तो इसका मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज करेगा ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस आया फिर डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वी बी, तो कैसे वी बी आ गया ऐसे, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्टीपर होगा ये लाइन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसका मतलब उतना ज़्यादा ड्रॉप करेगा। तो जहाँ पे भी आपको इसमें तो लगभग पैरेलल से ही बन गए मुझसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता तो ये ज़्यादा स्टीपर है ना, तो पक्की बात है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, आर टू बड़ा होगा आर वन से। क्लियर है बच्चों? देखो इसके रेस्पेक्ट में इसका स्लोप, तो स्लोप रेजिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। तो ये हुआ सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। अब देखो पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। अभी बच्चों बहुत क्वेश्चन है इस चैप्टर में ग्रुपिंग के, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सारे पढ़ेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस है, ऐसे तीन रेजिस्टेंस मान लिए हमने, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री, ये वोल्टेज, ठीक है। तो देखो यहां से करंट आया आई, तो यहां से जाएगा आई वन आई टू आई थ्री। क्यों सर? क्योंकि बेटा आप सोचो टोटल करंट एक तरीके से एक साइड से नहीं जाएगा, एक रेजिस्टेंस सबका अपना अपना पोज करने का वैल्यू होगी, तो सबसे अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है। ये ए ये बी, तो देखो ए पोटेंशियल यहां तक आ सकता है, ऐसे बी पोटेंशियल यहां तक आ सकता है, तो ये वी बी, इसके क्रॉस भी वी ए आ गया, इधर वी बी आ गया, वी ए वी बी पैरेलल होता है, मतलब एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए। तो देखना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, लेकिन करंट अलग अलग है, ठीक है। अच्छा एक बात को फिर रिवाइज करूं कि इक्वल और सेम में क्या अंतर होता है। अगर ये रेजिस्टेंस बराबर होते सारे तो इन तीनों से इक्वल रेजिस्टेंस जाता जाता ना, इक्वल जाता, लेकिन क्या सेम जाता, सेम करंट होता इनसे? नहीं, जो करंट यहाँ से गया वो इससे थोड़े जाएगा, इक्वल जाएगा लेकिन सेम नहीं जाएगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सेम करंट गुजरता है ना। तो थोड़ा ये देखना है, अब जैसे ये आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है, टोटल करंट आई, तो आई इक्वल टू आई टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। इसी ये क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है बच्चों, है ना, जितना चार्ज यहाँ से आया उतना ही इधर जा रहा है। आई वन की जगह क्या लिखेंगे,
वी बाय आर होता है ना, तो वी बाय आर वन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी वी के बराबर है, उतना ही है हर जगह ही वही है, वी बाय आर टू वी बाय आर थ्री, और ये क्या हो जाएगा वी बाय आर, तो वन बाय आर इक्वल टू आ जाएगा वन बाय आर वन वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। दो के लिए वन बाय आर इक्वल टू वन बाय आर टू ऐसे लिख सकते हैं, एन के लिए कितना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं लेकिन इक्वल हैं, एन रेजिस्टेंस हैं और इक्वल हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनको जोड़ो, आर नोट एन आर नोट है, ठीक है। मान लो एन रेजिस्टेंस और इक्वल थे, तो एन बाय आर नोट, तो आर कितना आ जाएगा आर नोट बाय एन, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो देखो एलसीएम ले लो, वैसे तो ये बातें पता होंगी आपको लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा बच्चों, अगर इसको सॉल्व करना है रेसिप्रोकल कर लेना, ठीक है, आर वन प्लस आर टू, ऐसे इसका रेसिप्रोकल एलसीएम ले लो फिर रेसिप्रोकल कर लो, इसका आएगा आर वन आर टू आर थ्री अपॉन आर वन आर टू आर थ्री प्लस आर टू आर वन प्लस आर वन आर थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये पैरेलल ग्रुपिंग है। तो आज की क्लास में बहुत, तो ये था बच्चों ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी, बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले इस फॉर्मूले की तैयारी करते हैं, इस फॉर्मूले पे कमांड करते हैं कि कभी भी किसी वायर का रेजिस्टेंस लिखना है तो लिखा जाएगा रो डी एक्स अपॉन ए, ठीक है। मतलब अगर कोई वायर है जैसे ये, ठीक है, और इस वायर के अक्रॉस आपको इन दो एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स लेंथ है, यहां एक छोटी सी लेंथ ली डी एक्स, ठीक है, रेजिस्टिविटी यहां पे हमने रो मान ली, तो इस छोटे से सेगमेंट का रेजिस्टेंस होगा रो डी एक्स अपॉन ए। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यहां से लेके यहां तक तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, रो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपने जैसे 9 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर यूनिफॉर्म वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस होता है, जैसे लेंथ एल हो इसकी टोटल और एरिया ए हो तो इसका रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, पढ़ा होगा। तो ये कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करा गया, ये सारे आज एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट शेप के रेजिस्टिविटी बदल के। तो इस फॉर्मूले पर कमांड कर लेंगे आज की क्लास में। तो देखो जरा पहला केस बताता हूं मैं, पहले लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर। देखो बच्चों, हालांकि मतलब इस ज्योमेट्री का आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, देख के बता दोगे सर, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिखा रहा हूं आपको। पहले लेंथ एल है, यूनिफॉर्म वायर मतलब ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जैसे सिलिंड्रिकल वायर है ना चौक, बिल्कुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एल लेंथ है, और रो रेजिस्टिविटी है जो पूरी कॉन्स्टेंट है पूरे वायर में। क्या रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। तो भैया जैसे यहां बढ़ती जा रही है रेजिस्टिविटी, जैसे ही मेटल और इसमें कार्बन भरते जाए, हम डेंसिटी उसकी और बढ़ाते जाए तो रेजिस्टिविटी वेरी कर जाएगी। हमने क्या सोचा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमने देखा कि यार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आर इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी एक्स। तो मैं यहां पे ऐसे अलग अलग एलिमेंट लेता जाऊं, ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाऊं इसको, तो मैंने ये एलिमेंट लिया ऐसे, ठीक है, लेंथ के लॉन्ग ऐसे, और इसकी थिकनेस मान ली डी एक्स, ठीक है, ऐसे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर होगा, सॉरी ए होगा, तो आर इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन रो डी एक्स अपॉन ए, क्लियर है, यहां तक लिखा है ऐसे, वही फॉर्मूला लिखा, भी कुछ नया नहीं करा। मुझे बताओ जब आप आगे बढ़ रहे हो, आपने कह दिया रो कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, क्या बचा डी एक्स, और एक्स वेरी कर रहा है, यहां पे एक्स कितना है जीरो, और यहां पे कितना है एल, जीरो से एल, तो आर हो जाएगा रो अपॉन ए, और डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स जीरो से एल, तो रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो मैं पहले ही पता था, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था,
लेकिन हमें क्यों पढ़ना है ये, ताकि आपको इस फॉर्मूले का बेसिक स्टार्टिंग शुरू समझ में आए कि यार क्यों इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूं। देखो, जैसे ये तो हो गया कि अगर यूनिफॉर्मली सिलिंड्रिकल वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है, तो उसका रेजिस्टेंस ये होगा। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर हैविंग वेरिएबल रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टिविटी ये कैसा होगा सर? जैसे एक वायर है, ठीक है, ये लेंथ एल है और इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया तो यूनिफॉर्म है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया तो क्रॉस सेक्शन मतलब यूनिफॉर्म है, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अगर हम एक्सिस्टेंस के साथ, तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है बच्चों, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। मतलब रो, ये पॉइंट पी है कोई इस वायर में, यहां पे रो एट पी इज गिवन एज के एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ भी लिख दिया, के इज अ कॉन्स्टेंट, के इज एनी कॉन्स्टेंट, और एक्स क्या है? डिस्टेंस एक एंड से, इधर वाले एंड से। आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस बताओ, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लोगे, है ना, और फिर उनको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, ये जैसा यहां लिखा हुआ है। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने ऐसे डीएक्स थिकनेस का, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे ऐसे आर इंटीग्रेशन रो डीएक्स अपॉन ए, रो की जगह क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन ए, के बाय ए एक्स स्क्वायर डीएक्स। मुझे बताओ एक्स यहां पे कितना है? जीरो, और यहां पे कितना है? एल, तो जीरो से एल, तो के बाय ए एक्स क्यूब बाय थ्री, 0/L, के बाय ए एल क्यूब बाय थ्री आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप देखेंगे कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लेना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया। इसी बात को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। देखो अब नीट के बच्चों के लिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, वो नीट के स्टूडेंट उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन अगर ऐसे बोलता कि ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है बच्चों, बोला कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है इस एंड से वेरी कर रही है, रो वन से रो टू लीनियरली वेरी कर रही है, रो वन से रो टू जा रही है दूसरे एंड तक और लीनियरली वेरी कर रही है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, अब देखो उसने लीनियरली तो बोल दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, रो एक्स के साथ वेरी कैसे कर रहा है, बस ये बोल दिया लीनियरली वेरी कर रहा है। इसके बजाय वो ग्राफ भी दे सकता था आपको। अब कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? देखो जैसे यहां पे क्या करो बच्चों, एक पॉइंट ले लो ऐसे पी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, देखो ये वाई, ये ओ, रेजिस्टिविटी वेरी करानी है एक्स के साथ, कहां से कहां तक बोल रहे हैं? देखो रो वन से रो टू, ठीक है, और ये लेंथ एल है, ठीक है बच्चों, कैसे पता लगा? लीनियरिटी का मतलब स्ट्रेट लाइन, और जहां एक्स इक्वल टू जीरो है वहां रो वन है, और जहां एक्स इक्वल टू एल है वहां कितनी है? रो टू, तो देखो जीरो से एल तक रो वन से रो टू वेरी करा दी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास मैथ्स होगा तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इंटरसेप्ट है उसका वो ये रो वन होगा, क्लियर है, और जो स्लोप होगा इसका वो कितना होगा बच्चों? टेन थीटा। ठीक है, ये देखो अब अगर मैं वाई क्या लिख रहे हैं, वाई हमारे पास रो, टेन थीटा एम है टेन थीटा, भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, देखो ये पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो एम होता है टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा देखो, रो टू माइनस रो वन अपॉन एल, रो टू माइनस रो वन और ये एल, तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, है ना, स्लोप होता है ये, और सी कितना होता है ये, सी ये लेंथ होती है जो कट करता है, तो एम की जगह लिखेंगे रो टू माइनस रो वन
अपॉन एल इंटू एक्स प्लस रो वन, ये रो आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है इसका, तो यहीं पे एक एलिमेंट ले लो ऐसे डी एक्स लेंथ का, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों एक्स, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होगा रो टू माइनस रो वन अपॉन एल इंटू एक्स प्लस रो वन डी एक्स अपॉन ए, ठीक, ऐसे लिखा। यहां से 0 से L तक इंटीग्रेट कर लो बच्चे इसको, 0 से L तक इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, ये कंसेप्ट सीखना है सर। मतलब इस तरीके क्वेश्चन देता है कि आपको रेजिस्टिविटी फंक्शन दे देगा, तो ग्राफ बना के देगा, या आपको लैंग्वेज में लिखेगा आप उसे बनाइए, ठीक है। यहाँ क्या था, रेजिस्टिविटी एक एंड से दूसरे एंड तक रो वन से रो टू वैल्यू वेरी कर रही है, और फिर रेजिस्टेंस बताना है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। देखो बच्चों, अब अगर ये तो क्वेश्चन था जिसमें आपने कैलकुलेट किया लेंथ के अक्रॉस, है ना, और एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म था, अगर ऐसा वायर हो जाए, देखो थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ऐसे इसको बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन, सॉलिड है ये तो हमने समझने के लिए ऐसे बनाया। देखो इस तरीके का ये सिलेंडर है, मतलब ये ज्योमेट्री है, ये ए और ये बी, ठीक है, ऐसे लिखा, और चलो इसको एक्स लिख लेते हैं और इसको वाई, ठीक। ये रेडियस है ए और ये रेडियस है बच्चों बी, ठीक है, और लेंथ कितनी है इसकी एल। हमसे पूछा जा रहा है अब बताओ एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कैसे बताएं भाई। रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है इसकी पूरे की, बस एरिया क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वही। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटे छोटे स्लाइस काटेंगे, इसमें जो स्लाइस काटोगे बच्चों तो वो डिस्क होंगी अलग अलग एरिया की, है ना, छोटी बड़ी 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 ऐसे बढ़ती जा रही होगी, ऐसे ऐसे कुल्फी। तो इसको एक्स डिस्टेंस पे मैंने ऐसे एक एलिमेंट ले लिया, ये एक डिस्क होगी, है ना, जो करंट जाएगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉलो करेगा, सर्कुलर एरिया, क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर एरिया फॉलो करेगा, और इस डिस्क का एरिया होगा वो, इसकी थिकनेस हमने मान ली डी एक्स है। देखो ऐसे इमेजिन करो कि ये एक्स है अगर लेंथ, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये पूरी लेंथ एक्स है, तो एक्स टेन थीटा होगी, नहीं है ना, अगर ये एक्स है तो ये लेंथ ये वाली बस इतनी, और ये एक्स्ट्रा लेंथ ए है, देख लो। तो इस डिस्क का एरिया कितना होगा, रेडियस बताओ पहले, रेडियस कितना होगा, ए प्लस एक्स टेन थीटा होगा, नहीं होगा, होगा नहीं भाई, इसका रेडियस, इसका रेडियस ए प्लस एक्स टेन थीटा। अच्छा अगर आप इस थीटा को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये वाला ट्रेंगल देखो, यहां से आपको पता लगेगा टेन थीटा होगा दिस लेंथ बी माइनस ए अपॉन एल, ठीक है, बी माइनस ए अपॉन लेंथ। तो देखो इसको आप ऐसे समझो, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही लगेगा अभी भी, रो डी एक्स, है ना, और इसका एरिया, तो एरिया है बच्चों इसका पाई आर प्लस एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, एरिया सर्कुलर एरिया ए प्लस एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो आर इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन थीटा जब जाओगे तब ये लिखा जा सकता है, रो बाय पाई बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर, सॉरी ए प्लस एक्स टेन थीटा, आर की जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, तो पाई आर स्क्वायर में आर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस एक्स टेन थीटा, तो ये हो गया वन अपॉन ए प्लस एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से L तक, नीट के बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं करना, ध्यान रखना 0 से L तक, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे आप, ठीक है,
इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेशन में टेन थीटा की जगह बी माइनस ए बाई एल रख देना बाद में, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आएगा, आफ्टर सॉल्विंग देखो बेटा, मैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी, ठीक है। क्योंकि दो कारण है, मैं इंटीग्रेशन इसलिए नहीं करता, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया हो मैथ्स में तो फिर तो आपको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो इस स्टेप को रोक दो, समझ जाओ कि इसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो आपके लिए खेल है, फटाक से कर दो, ठीक है। तो रो एल अपॉन पाई ए बी रेजिस्टेंस। तो देखो इस तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, ये स्टैंडर्ड केस है बच्चे, इसको याद कर लेना, ठीक है, मतलब रिवाइज करके जाना है पेपर में। अब स्फेरिकल रेजिस्टेंस, मतलब स्फेरिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, हाँ, इसको भी मेडिकल वाले स्किप कर दो। तो सर पढ़ेंगे क्या फिर, हम सारी बातें तो स्किप कर रहे हैं, नहीं, ये दो चार केस हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। देखो स्फेरिकल रेजिस्टेंस होता है, जैसे जैसे ये बच्चों, इसका रेडियस है ए और इसका रेडियस है बी, ये ना थिक शेल है, थिक शेल, थिक शेल, मतलब जैसे अंडा होता है ना, अंडे का अंदर वाला पार्ट निकाल लिया, ऐसे सोचो, ठीक है। तो खोखला हो गया ये, इतना पार्ट होलो है और ये थिक है, थिक शेल, इसकी थिकनेस कितनी है बताओ, बी माइनस ए, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा एक्स और वाई इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, इसका मतलब क्या है कि आप इन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगाओगे तो जब करंट जाएगा तो कितना करंट ऑफर करेगा ये, मतलब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। अब क्या करें, देखो आप सोचो जब इसे यहाँ जोड़ोगे, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा वी ए, ये हो जाएगा वी बी, तो इस पूरी ये जो अंदर वाला सरफेस है इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वी एक्स वी एक्स वी एक्स, क्योंकि एक सरफेस का पोटेंशियल एक ही होता है, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस होता है मेटल का सरफेस, और बाहर वाला सरफेस वी एक्स, मतलब हाँ वी एक्स ही लिख दिया मैंने इसको, और ये वी वाई, वी बी भी लिख सकते हो आप, वी वाई लिख लो चलो, ठीक है, ये वी वाई और ये वी एक्स, वी वाई वी वाई वी वाई वी वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये अब वी एक्स से वी वाई की तरफ करंट ऐसे जाएगा ना रेडियली, ऐसा नहीं होता कि यहां पे आपने तार जोड़ा है सीधा यहां चला जाए करंट, ऐसा नहीं, हर अंदर वाला पूरा सरफेस एक पोटेंशियल पे, बाहर वाला पूरा सरफेस एक पोटेंशियल पे, तो करंट ना रेडियली निकलेगा ऐसे 3D में, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तो रेडियली जब निकलेगा तो करंट कैसा सरफेस कैसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉलो कर रहा होगा, स्फेरिकल या सर्कुलर, स्फेरिकल, स्फेरिकल फॉलो करेगा, देखो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां हमें जब एलिमेंट लेना होगा क्या करेंगे बच्चों, हम यहां एलिमेंट लेंगे कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, ये एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस लेते हुए, ठीक है, कैसे एलिमेंट लिए जाते हैं, अगर आपको ये देखना है तो कोई वीडियो मिल जाएगी आपको, उसे देखो, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें एलिमेंट लेना इंटीग्रेशन लेना सिखा रखा है, वहां से देख सकते हो। अब देखो बच्चों, अब ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन रो डी एक्स अपॉन ए, रो एरिया कितना होगा बताओ, जिससे वो सरफेस एरिया करंट जा रहा है, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और एक्स की रीडिंग कहां से कहां तक चलेगी, ए से बी, रो अपॉन 4 पाई एक्स की पावर -2 एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है, बड़ा इजी सा इंटीग्रेशन है ये, x की पावर -2 प्लस 1, देखो x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, इतना इंटीग्रेशन तो आपने 11th में भी करा होगा, ये ऐसे लिखा तो -1/x आ गया ए टू बी, तो रो अपॉन 4 पाई -1/b प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है,
देखो बच्चों, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस रो ए बी अपॉन 4 पाई ओ ओ बी माइनस ए है ना अपॉन ए बी, ये रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है? ये किसका रेजिस्टेंस है? स्फेरिकल रेजिस्टेंस। अब देखो इसको रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब एक बिल्कुल इसी तरीके से सोचो, अगर आप इंटीग्रेशन ही कर रहे हो तो। ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको नीट वालों को मैं स्किप करा रहा हूँ, मेडिकल वालों को, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप सबके हैं, कॉमन है। देखो क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें पढ़ने से करने से जो नहीं है सिलेबस में हमारे। देखना चाहते हो फिर भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये एक शेल है, थिक शेल, तो इसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस। सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस देखो ऐसे, सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस है मतलब जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल उसका अंदर वाला पार्ट निकाल लिया, ठीक है, जो लेड होता है उसको निकाल लिया। अब इन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगाई, बैटरी यहां भी लग सकती है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अभी मुझे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन खत्म कर देने हैं, तो ऐसे लगाई, तो आप सोचो यहां के हर पॉइंट का पोटेंशियल इस वाली सरफेस का वी एक्स वी एक्स वी एक्स होगा, हर जगह अंदर वाले चित्र वी एक्स वी एक्स वी एक्स ऐसे, और बाहर वालों का जो आपने जोड़ा वी वाई ऐसे, ठीक है। इनर सरफेस एक पोटेंशियल पे होगा और आउटर एक सरफेस पोटेंशियल पे होगा। तो सोचो अगर आप बैटरी लगा रहे हो, आपने बैटरी लगा दी ऐसे, तो करंट ऐसे जाएगा ना रेडियली, मतलब सिलेंडर बनाता हुआ बढ़ेगा। मतलब अगर करंट को मैं पूछूं कि भाई कैसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉलो हो रहा होगा, तो बताओ कैसा फॉलो हो रहा होगा? एक सिलिंड्रिकल सरफेस फॉलो हो रहा होगा ना करंट को, बिल्कुल वही बात। देखो मतलब ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना रहा हूँ बच्चों, सिलिंड्रिकल शेल, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है, ये एक्स ठीक है, और ये थिकनेस कितनी है डी एक्स, ठीक है, ये लेंथ कितनी है बच्चों एल, एल दे रखा होगा आपको, रेस्टिविटी रो। तो सोचिए एक सिलिंड्रिकल शेल है, ऐसे जोड़ते 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 पूरा कवर हो जाएगा, नहीं है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन रो डी एक्स अपॉन ए, बताओ बच्चों रो डी एक्स एरिया कितना होगा? तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल होगा, तो रो बाय 2 पाई एल बाहर ले लो, ओ ओ ओ रेडियस एक्स है ना, तो एक्स लिखा डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और एक्स कहाँ से कहाँ तक? भाई पहला जब एक्स यहाँ से यहाँ तक होगा ना, ये कितना है ए, और वो आउटर रेडियस कितना है बी, ये मैंने लिखा नहीं है। ओ ये इनर रेडियस इसका ए है, आउटर रेडियस बी है, जैसे शेल में था, स्फेरिकल शेल में था, ठीक है। तो ए टू बी रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बी बाई ए, ये रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पे, कि जैसे ये फॉर्मूला है, अगर यूनिफॉर्म वायर हो ऐसे, ये एल ये ए और ये इधर वाई और इधर एक्स, ठीक है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज रो एल अपॉन ए, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। अब अगर मान लो बिल्कुल ऐसा ही यूनिफॉर्म वायर हो इस तरीके से, मतलब ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है,
ऐसे इन दो पॉइंट के बीच में पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हुआ यूनिफॉर्म वायर के लिए, तो रो रेजिस्टिविटी दे रखी होगी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है सामने से, बी इंटू एच। ठीक है, ओ पहले तो लेंथ लिखते हैं ना, रो एल अपॉन एरिया बी इंटू एच। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया, समझ में आया बच्चों? अगर मान लो इस सरफेस के दो पॉइंट ले, ऐसे ले और ऐसे, तो उस केस में देखो मान लो ये बोल दे ये तो एक्स वाई थे, ये एम और एन दो पॉइंट ले ले, अब पूछे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लो इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस, मान लो करंट ऐसे जाएगा तो ये एरिया होगा ना उस केस में, एरिया क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस आर डैश बोल दिया मैंने, उस केस में एरिया ये होगा, तो एरिया कितना हुआ बच्चों, लेंथ कितनी ट्रैवल करेगा करंट, ये लेंथ, तो ये कितनी दे रखी है बी, ये बी हो जाएगी। ठीक है, अपॉन एरिया कितना हो जाएगा ये वाला सामने से, तो एच इंटू एन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सरफेस के अलोंग रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है भाई, इधर से करंट जाने में ज्यादा लेंथ फॉलो कर रहा है, उधर कम, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है किन दो पॉइंट के बीच में आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया। अब ये बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन, जो भी सिलिंड्रिकल शेल पड़ी थी उसमें तो बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना पड़ा, अगर क्वेश्चन बच्चों ऐसे हो, ठीक है, इस तरीके से केवल ये थिक ऐसे शेल है, देखो बच्चों थिक शेल है बिल्कुल पहले की तरह ऐसे, और यहां दो पॉइंट है एक्स और वाई, इसका इनर रेडियस है बच्चों ए और आउटर रेडियस है बी, लेंथ है एल। आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा रेजिस्टेंस बताओ एक्स और वाई के बीच में, तो सोचो अगर आप करंट भेजोगे इधर से तो केवल इस थिकनेस से गुजरेगा ना, है ना, और लेंथ ही है भाई, अंदर तो होलो होलो वैक्यूम से थोड़े गुजरेगा, तो रेजिस्टेंस एक्स वाई के बीच में जो होगा रो इंटू एल अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन कितने इस पार्ट का कितना होगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बीच में रेजिस्टेंस होगा, क्लियर है? देखो अगर क्लियर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि केवल एरिया क्रॉस सेक्शन देखो, जो मटेरियल देखो, मटेरियल से करंट जाता है वैक्यूम से नहीं जाता। ठीक है, अब यही क्वेश्चन और प्यारा हो जाए, अगर इसमें कहे कि बेटा इसमें जो ये वाला पार्ट है इस तरीके से बना दिया कि ये भी फिल कर दिया, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी रो वन है और इसकी रो टू, मतलब जैसे पेंसिल होती है ना, अंदर वाला पार्ट लेड है, ऊपर लकड़ी है ना, वुडन होता है उसमें, बिल्कुल ऐसे अंदर वाले पार्ट की रेजिस्टिविटी रो वन और बाहर वाले की रो टू। अब पूछ रहा है, देखो बच्चों अब इसमें क्या करें, तो आप ऐसे सोचो इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल वी एक्स है, वी एक्स है, वी एक्स है, और इधर वी वाई, वी वाई, वी वाई हो गया ना, लेंथ एल है, तो ऐसे ही इसका मतलब अंदर वाले मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होगा, बाहर वाले मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होगा, तो अगर मैं दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है भाई, इसके क्रॉस अंदर वाले के क्रॉस वी एक्स माइनस वी वाई, इसके क्रॉस भी वी एक्स माइनस वी वाई, भाई बैटरी ऐसे लगा रहे हैं हम, करंट इधर से जा रहा है ऐसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दो रेजिस्टेंस मानने होंगे हमें, जैसे कैपेसिटर में नहीं खेला था डायलेक्ट्रिक आए थे दो, कभी पैरेलल में कभी सीरीज में, यहाँ ये दोनों पैरेलल में होंगे। अंदर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा सोचो, रो वन लेंथ अपॉन एरिया कितना है बच्चों अंदर वाले पार्ट का, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाले एरिया का, बाहर वाली थिकनेस का कितना है, अभी कैलकुलेट भी करा था, रो टू इंटू एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, रो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये वैल्यू रख दो, सोल्व हो गया, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो आप। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी का, जैसे रो वन रो टू रेजिस्टिविटी के दो वायर हैं आइडेंटिकल शेप में, ठीक है, शेप आइडेंटिकल है, ज्योमेट्री और रेजिस्टिविटी अलग है, हमसे कहा गया है कि इन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टिविटी बताओ,
देखो हमने किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बताओ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बताओ अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तब, और अगर पैरेलल में कनेक्ट है तब। ठीक है देखो बच्चों, अब रेजिस्टिविटी तो पहले कोई बात नहीं, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इनको, हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है इनको ऐसे कनेक्ट कर लिया, सीरीज में हो गए ये कनेक्ट, ये आर वन सॉरी रो वन रो टू, लेंथ एल, इसकी लेंथ एल, ए एरिया हो गया, और ऐसे जोड़ लिया ए बी। ठीक है इन दो पॉइंट के बीच में पूछ रहा है। एक पास सोचो, अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करूं आर वन प्लस आर टू, आर वन कितना होगा रो वन एल अपॉन ए प्लस रो टू एल अपॉन ए। ठीक है और अब एक बात सोचो, हम चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट बताएं, इक्विवेलेंट इस सिस्टम का। तो वैसे मतलब केवल इक्विवेलेंट बोल देना सफिशियंट वर्ड नहीं है, लेकिन हर किताब में ऐसे ही लिखा है। तो ऐसे सोचो, मतलब ये पूछना चाह रहा है टीचर कि अगर इतनी शेप का, ऐसे आपने जोड़ करके बनाया, अगर इतनी शेप का एक ही मटेरियल यूज़ किया जाए, ऐसी शेप का इसकी लेंथ कितनी होगी 2L और एरिया होगा ए, अगर एक ही मटेरियल यूज़ किया जाए तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है मतलब इन दोनों मटेरियल को अलग अलग की बजाय एक रेजिस्टिविटी, जैसे आपने थर्मल कंडक्टिविटी में भी शायद ऐसे क्वेश्चन किए हो 11th में, NCERT में सोल्ड एग्जाम्पल है। तो रो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी बच्चे उसकी 2L अपॉन एरिया। ठीक है एरिया से एरिया कट गया, एल से एल, और रो इक्विवेलेंट कितना हो गया, देखो हमने क्या किया, पूरी लेंथ 12 मान ली, एरिया ए माना, और ये लिख दिया रो एल अपॉन ए फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। तो रो इक्विवेलेंट आ गया रो वन प्लस रो टू बाय टू, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ गया अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है तो। समझ में आ गया क्वेश्चन, अंतर समझ में आया पिछले क्वेश्चन में, और अब तक हम जो कर रहे थे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, ये क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। अब देखो एक और क्वेश्चन, जैसे अब क्या बोला उसने कि इक्विवेलेंट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जोड़ दो, तो पैरेलल में तो ये खुद जुड़े ही हुए हैं ऐसे। ठीक है लेंथ एल हो गई। अच्छा देखो अगर मान लो मैं इन दो ऑब्जेक्ट को पैरेलल में जोड़ दूं ऐसे रखें, एक का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है दूसरे का ए, तो कितना हो गया टोटल एरिया 2A हो गया ना, हमने सामने से क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इधर से एरिया 2A हो जाएगा, ये रो वन ये रो टू। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहूँ तो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ऐसे लिखा जाएगा। देखो आर वन कितना होगा बच्चों, रो वन एल अपॉन ए, आर टू रो टू एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा रो वन एल अपॉन ए प्लस रो टू एल अपॉन ए, ये आर इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है एक एल अपॉन ए दोनों जगह से कट जाएगा, रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू एल अपॉन ए। ठीक है देखो बच्चों मैं चाहता हूं कि इस पूरे का एक वायर बना दूं तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा 2A हो जाएगा ना। ठीक है और लेंथ कितनी होगी L, रेजिस्टिविटी रो, तो कितना लिखा जाएगा फॉर्मूला रो इंटू एल अपॉन 2A। ठीक है सोचो भाई मैं रो लेंथ अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन इसी के सामने लिख देता हूं, चलो देखो रो इक्विवेलेंट इंटू एल अपॉन 2A, देखो एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कट गया तो रो इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ गई बच्चों। ठीक है अगर मतलब दो वायर ये पैरेलल में लगा दिए जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी होगी ये पता लग गया हमें, क्लियर है। बिल्कुल रेजिस्टिविटी का ही एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये सिलेंडर है ठीक है, जो भी क्वेश्चन किया था ना ये सिलेंड्रिकल शेल है, और इसका ना इनर पार्ट अलग मटेरियल का है और आउटर पार्ट अलग का, जैसे अंदर वाले की रेजिस्टिविटी रो वन है और आउटर की रो टू है। ठीक है हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बताओ, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं रेडियस ए और 2A ले रहा हूँ। ठीक है पहले क्या लिया था ए और बी, सॉरी ए और बी लिया था, तो ये
ऐसे, ठीक है। इस बार रेस्टिविटी अलग है, मतलब पहले भी अलग थी, देखो ऐसे, और लेंथ एल है। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेस्टिविटी का मतलब होता है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, कि आप इस पूरे मटेरियल को, इस पूरे शेप ज्योमेट्री को एक मटेरियल से रिप्लेस कर दो और आउटर ज्योमेट्री ऐसी ही रहे, ऐसे, और पूरा एक ही हो जाए, ये तो रो इक्विवेलेंट, और रेडियस कितना हो जाए 2a। मतलब आप ऐसे सोचा करो क्वेश्चन में कि जब भी कभी ऐसा रेस्टिविटी का आ जाए क्वेश्चन, कि इसकी आउटर शेप जैसी एक ऑब्जेक्ट बना देना, जो आउटर, ठीक है, जो आउटर शेप है उस जैसे एक ऑब्जेक्ट बना लो, लेंथ एल। अब देखो एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इनर वाला R1 मान लेते हैं, पैरेलल में होंगे दोनों रेजिस्टेंस, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था अभी, तो Rho1L अपॉन πa² और ये हो जाएगा Rho2L अपॉन πa² प्लस Rho2L अपॉन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इस बाहर वाले का रेडियस जो होगा ना, एरिया जो होगा, π2a² माइनस a² पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, π2a² माइनस a² ठीक। और ये हो जाएगा R, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि जो कॉमन है वो कट जाए, तो L πa² देखो, L πa² कट जाएगा, ठीक है, ए कट जाएगा, और बचेगा अब Rho1 Rho2 L अपॉन πa, देखो ये ए स्क्वायर बचेगा, 4 माइनस 1 तो 3a² अपॉन यहाँ पे Rho1 प्लस Rho2 अपॉन क्या बचेगा बच्चों, 4 माइनस 1 3, ऐसे ना, समझ रहे हो। और 3 LCM ले लेते हैं, तो यहाँ 3 Rho1 Rho2 और अपॉन 3, तो 3 से 3 भी कट जाएगा ये भी, ठीक है, तो काट देते हैं। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा, रो इक्विवेलेंट इसका देखो, अब ये पूरी शेप हो गई जिसका रेडियस है Rho L अपॉन πa² होल स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो एल से एल कट गया, है ना, और 3 से 3 कटा था, रो इक्विवेलेंट पाई अपॉन 4a² इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, ये हो जाएगा Rho1 Rho2 अपॉन πa² 3 Rho1 प्लस Rho2, देखो पाई से पाई कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, रो इक्वेलेंट आ जाएगा बच्चों। यहाँ कहाँ जाए कैलकुलेशन करने, यहाँ चलते हैं, रो इक्वेलेंट आ जाएगा 4 16 हो जाएगा ना, अच्छा ये ऑलरेडी 4 लिख दिया मैंने, ठीक है 2 करते हैं इसको, तो 4 Rho1 Rho2 अपॉन कितना, 3 Rho1 प्लस Rho2। बेटा एक बार कैलकुलेशन फिर चेक कर लेना, लॉजिक मैंने समझा दिया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी जो होगी वो इस इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की शेप आउटर शेप बना लो, और उसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ लिखना है, तो वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ जाती है। इसका मतलब अब एक मटेरियल अगर आपको लेना है इनके दोनों की बजाय, तो उसकी रेजिस्टिविटी इतनी हो, लेंथ इतनी हो, और एरिया क्रॉस सेक्शन का रेडियस 2a हो, तो सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही हैंडल करना है। देखो अब ना वापस आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, कि एक वायर है ये, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और एरिया ए है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टिविटी रो एक्स और वाई के बीच में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका Rho L अपॉन a, सबको पता है कई बार हो चुका ही है। अब इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो क्वेश्चन आता है, फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ
इट इज स्ट्रेच्ड बाय, एक पार्ट में है 20% और दूसरे पार्ट में दे रखा है 2% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ. ठीक है, ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ. ठीक है, जनरली आपको लेंथ वगैरह दे नहीं रखी होगी, मैंने आपको जस्ट बताया कि इसकी रेजिस्टेंस ऐसे होता है. ठीक है, लेंथ अगर एल हो तो, जरूरी नहीं कि ऐसा दे रखा हो. तो वायर लेंथ एल है, हम इसको स्ट्रेच करके पहले क्या करें, 20% स्ट्रेच कराए, फिर 2%. ठीक है, और आपसे फाइनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है. देखो बच्चों, अगर ये हालात है तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया. जब आपने इसको स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करने का मतलब मटेरियल वही है, आप उसे खींच रहे हो, तो नई लेंथ कितनी होगी एल डैश, ये पता करना है. तो एल प्लस 20% ऑफ एल, तो एल डैश हो जाएगा 120/100. ठीक, ऐसे, और ये कट जाएगा 6/5 ऐसे. भाई नई लेंथ, एक बात हो रही है, जब आप इसे खींचोगे तो ये थिन हो जाएगा बच्चों, है ना, एरिया भी चेंज होगा ए डैश. वो कैसे पता करें, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो आप सोचो भाई मटेरियल का मास उतना ही रहेगा, डेंसिटी भी हम मटेरियल वही मान रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, है ना. ओह, रेजिस्टिविटी चेंज आ रहा है, इसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी. ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ रेजिस्टिविटी कितनी होगी स्ट्रेच करने पर, तो मटेरियल तो वही रहेगा भाई. आपने सिल्वर के वायर को खींचना शुरू करा, खींचते खींचते वो धीरे धीरे गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो सकता है भाई? नहीं, तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी. अब देखो, अगर आप वॉल्यूम इक्वेट करोगे तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है एल, और फाइनल वॉल्यूम कितना है बच्चों ए डैश इंटू एल डैश. ठीक है, और ए डैश कितना है हमारे पास नहीं पता, लेकिन लेंथ तो पता है हमें, 6/5 ऑफ एल, एल से एल कट गया, ए डैश आ गया 5a/6. ठीक है, ए डैश ही आ गया. अब देखो यहां पे, देखो रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर डैश इक्वल टू नया रेजिस्टेंस रो एल डैश अपॉन ए डैश. ठीक है, रो एल डैश कितना हो जाएगा बच्चों 6/5l अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 5/6a. तो आर डैश आ गया 6/5 का होल स्क्वायर रो एल अपॉन ए. कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों. ठीक है, ये आर है, ये आर डैश है. आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस. तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश 6/5 यानी कि 36/5 25 into R. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. अब इसमें मैं दो तीन क्वेश्चन और भी जोड़ देता हूँ. तो फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बाय, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस पता करते हैं, दूसरा पार्ट और को जोड़ देते हैं इसमें, ये जैसे ए कर देते हैं, ये बी, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज पता करते हैं. तो देखो, इतना पता कर लिया आपने, नया रेजिस्टेंस आ गया, परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों. देखो, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज होता है, या पढ़ रखा होगा आपने, फिर भी बोल देता हूं मैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100. ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू 36/25 इंटू आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100. ठीक है, देखो 36 - 25 अपॉन 25 इंटू 100 परसेंटेज चेंज, ये कितना हो जाएगा 25 × 100, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 11 × 4 44%. ठीक है, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज, 44%. और आर डैस माइनस आर मैंने क्या करा है, फाइनल माइनस मतलब चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, अगर कभी बोला जाए चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, कि यूनिट वैल्यू में कितना चेंज आया किसी क्वांटिटी की, और अगर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट में कितना चेंज आया है. ठीक है, तो 100 यूनिट्स में इतना चेंज आया 44%. अगर बिल्कुल ऐसे ही बी पार्ट आप इसका करोगे, तो बी पार्ट में रेजिस्टेंस
जो लेंथ होगी वो लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही एरिया फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज बहुत छोटी है। तो इस केस में आप एक शॉर्टकट मार सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने अलग करके दिखाया। आप इसी मेथड से इसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा शॉर्ट करनी है कैलकुलेशन, और इन बातों का पता होना चाहिए आपको। देखो कैसे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है ना। जब आप वायर को खींचोगे तो क्या क्वांटिटी है जो नहीं बदलेगी? भाई लेंथ भी बदलेगी, ये भी, रो नहीं बदलेगा, लेकिन आपको पता है यार वॉल्यूम भी नहीं बदलता। आपको लेंथ के बारे में बताया, एरिया के बारे में नहीं बताया, तो मैं एरिया को ना एलिमिनेट कर रहा हूँ। कैसे? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। तो रो एल स्क्वायर बाय वी, ये आ गया। अब देखो आर इक्वल टू आ गया रो एल स्क्वायर बाय वी, ऐसे आ गया। याद करो जब हमने परसेंटेज चेंज पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वांटिटी में कोई कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर है, एरर पढ़ा होगा आपने, याद होगा, तो जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर को सामने ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी आर अपॉन आर रो बाय वी, ये कांस्टेंट है हटा दो इसको, टू डी आर बाय आर आ जाएगा, डी एल बाय एल, ठीक है। ये रूल होता है, आप इसे लॉग एंटी लॉग लेके भी कर सकते हो मैथ से, लेकिन आप मेडिकल वाले बच्चे, आपने एरर में पढ़ा होगा कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको भूल जाओ, जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी पावर सामने आ जाती है। तो यहाँ अगर मैं इनटू 100 कर दूँ साथ साथ, देखना ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो गया, नहीं, और ये कौन सा चेंज है? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखना डी एल बाई एल कितना दे रखा है, ये 2, तो 2 इंटू 2 4% आ गया। लेकिन यही बात अगर आप इसमें लगाओगे बड़े चेंज में, तो 2 इंटू 20 आ जाएगा 40%, तो 40% तो गलत है, वो तो 44 था। यहाँ अगर आप एक्चुअल मेथड लगाओ जिससे हमने पहले किया, तो आंसर आएगा 4.04 या 02, वो नेग्लेजिव किया जा सकता है इतना चेंज। 4 तो के रेस्पेक्ट में 4.04 तो छोटी वैल्यू होगा, तो जब छोटी वैल्यू होता है 5% से कम होता है ये, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाँ अगर पेपर में ही बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो भाई फिर ये मत करना अपना, वही जो आपका क्लासिकल मेथड है, समझ रहे हो, सीधे कैलकुलेशन से, ये मैंने कैलकुलस से किया है। तो इस तरीके से इसमें परसेंटेज चेंज पता कर लिया, नया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे बच्चों क्वेश्चन आए कि ये वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ एल बाय एन कर दी, ठीक है, वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ एल बाय एन कर दी, 1/n टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, इसे स्ट्रेच कर दिया, ऐसे 1/2 इंक्रीज कर दिया, सॉरी n टाइम्स, n इसमें तो कम हो जाएगा, ये n टाइम्स कर दी इसकी लेंथ, तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, बोल देता हूँ, अ वायर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो देखो पहले लेंथ एल है, एरिया है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब क्या होगा, तो नया एरिया भी ए डैश मान लिया हमने, ठीक है, वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, ए इंटू एल, ए डैश इंटू एन एल, ठीक है। तो देखो ए डैश कितना आ गया, ए बाई एन आ गया, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश, रो वही एल डैश, ए डैश, रो एल कितना है, एन एल, और एरिया कितना है, ए बाय एन, ठीक है। तो एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए, ये क्या होगा बच्चों बताओ, ये पहली इक्वेशन से आर है ना, तो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अब ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर बोलूं कि स्ट्रेस टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, तो ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर 4, थ्राइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना हो रेजिस्टेंस में, तो आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो अब इसी तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़े पेट क्वेश्चन है, ये आपने 9th, कुछ बच्चे 10th क्लास में भी कर लिए होंगे जो NTSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखो अब कुछ और क्वेश्चन, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर का रेजिस्टेंस है आर, क्वेश्चन दिया कि इसकी वजह से हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस वायर से एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल। तो लो भाई, मतलब थोड़ा पतला वायर बना लेते हैं, लगे कि पतला ऐसे वायर है, ठीक है, इसका ट्रायंगल बनाया हमने, तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा,
जैसे इसकी लेंथ एल है, ठीक है, अगर इक्विलेटरल तीन इक्वल हिस्सों में तोड़ रहे हो, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो एक 1/3 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? भाई रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, नहीं तो सोचो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3, 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 क्योंकि जिस रेशियो में लेंथ तोड़ोगे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी तो टूटेगा, समझ रहे बात? लेंथ एल का रेजिस्टेंस आर है तो 1/3 लेंथ का कितना होगा, R/3, है ना, तो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस। अब इन दो एंड के बीच में पूछा है, कंसेक्यूटिव एंड के बीच में, तो देखो अगर यहाँ पूछ रहे हो तो ये दोनों किस में हुए, सीरीज में, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए सीरीज पैरेलल के, लेकिन इतना तो 10th में पढ़ के आओगे आप, अभी बहुत कुछ है बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन है भी जो सीरीज पैरेलल के हमें करने हैं, तो ये दोनों सीरीज में हुए तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा नीचे तो R/3, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R/3, समझ रहे, ऊपर वाले रेजिस्टेंस का, तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में, R/3 × 2R/3 upon R/3 + 2R/3। सोल्व कर लो इसको, क्लियर है, ऐसे सोल्व करना है। अच्छा अगर क्वेश्चन आता है कि इसी का हमने स्क्वायर बनाया इक्वल साइड का और एडजस्टेंट कॉर्नर के बीच में बताओ, तो देखो बच्चों स्क्वायर बनाते हैं आप इसका, ठीक है, तो एक साइड का कितना बनता है, आइडेंटिकल है अगर ये, तो R/4 बनता ना, ये भी R/4, ये भी R/4, ये भी R/4, ये R/4, ऐसे बोला एडजेसेंट साइड तो ये है, अगर बोला एक को छोड़ के दूसरी डायमंड डायगोनली अपोजिट साइड कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने एडजेसेंट साइड में बोला तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, बोलो सीरीज में, है ना, और ये इसके साथ पैरेलल में, तो तीन सीरीज में हो गए, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 × R/4, है ना, ऐड हो जाता है ना, और ये इसके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 R2 upon R1 + R2 होता है ना, इसमें रखो R1 ऊपर वाला 3R/4 × R/4 upon 3R/4 + R/4, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर इसी में क्वेश्चन आए कि इसका एक पॉलीगन बना दिया एन साइड का हमने, है ना, ऐसे बना दिया, मतलब हमें नहीं पता कितनी साइड है उसमें, मतलब सॉरी मतलब एन साइड है ना, तो कितनी होंगी, एन साइड बनाई है, इन दो पॉइंट के बीच में पूछ रहा है किसी एडजेसेंट कॉर्नर के बारे में, तो सोचो अगर आप एक इसका पॉलीगन बना रहे हो एन साइड का, तो एक साइड कितनी लेंथ की होगी, एल बाई एन, एन साइड है तो एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/N, तो ऐसे हर साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, R/N ना, सोचो ऐसे इसका भी R/N, 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 तो ये कितनी साइड होगी बच्चों, ये वाली एन साइड है, उनमें से एक तो ये है, तो ये बची साइड कितनी हुई, N-1, तो अगर इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ये रेजिस्टेंस कितने हैं सारे, N-1, और एक की वैल्यू आपको R/N पता है, तो सीरीज में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, वैल्यू ऐड होगी तो कितनी है वो N-1, तो एक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाई ये एक्स, तो ये हो गया R/N और ये होगा N-1 × R/N, ठीक है, N-1 × R/N, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा एक्स वाई के बीच में, R/ मतलब वही फॉर्मूला R1 R2 upon R1 + R2, R1 की वैल्यू रखो N-1 R/N × R/N upon N-1 × R/N + R/N, उम्मीद करता हूँ कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब और क्वेश्चन देखते हैं, सोचो अगर इसकी सर्कुलर शेप बना दें इस वायर की, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसकी सर्कुलर शेप बना दी ऐसे, ठीक है, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन मान लो, तो सोचो ऊपर वाली लेंथ आधी हो गई, नीचे वाली लेंथ आधी हो गई, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2 और इसका भी R/2, तो टोटल रेजिस्टेंस R है, तो अगर ऐसे बना दोगे तुम इस वायर को सर्कल में और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से पूछोगे तो R/2 R/2, तो
तो सोचना ए बी के बीच में इक्वल डिस्टेंस कितना आएगा, आर बाई टू इंटू आर बाई टू अपॉन आर बाई टू प्लस आर बाई टू, आर बाई फोर आर, ओ ओ ओ आर स्क्वायर बाई फोर आर, ये कितना आ जाएगा बच्चों, आर बाय फोर, ठीक है, क्लियर है। उस तरीके से ए बी के बीच में आ गया। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि सर्कुलर तो बना दिया, ठीक, लेकिन इन दो पॉइंट के बीच में पूछा है, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में, ऐसे, तो ये क्वाड्रेचर हो गया, नहीं तो रेजिस्टेंस को चार इक्वल पार्ट में तोड़ दो, आर रेजिस्टेंस था उसका चार इक्वल पार्ट में तोड़ दो, तो ये आर बाय फोर, ये आर बाय फोर, ऐसे ये आर बाय फोर, ऐसे ये आर बाय फोर, ठीक है। अब सोचो, अब तुम सोचो, ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं हो गए, तो इनका इक्वलेंट कितना होगा, थ्री आर बाय फोर, और ये क्या होगा, आर बाय फोर पैरेलल में, तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ए के बीच में ये रेजिस्टेंस ऐसे बना देता हूँ मैं, चलो आर बाई फोर, और ये वाला रेजिस्टेंस थ्री आर बाई फोर, क्योंकि तीन है ना सीरीज में, ये बी है ये ए है, अब ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में, सॉल्व कर लो, तो आर ए बी क्या आ जाएगा, आर बाई फोर थ्री आर बाई फोर अपॉन आर बाई फोर प्लस थ्री आर बाई फोर, क्लियर है, सॉल्व हो गया। अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ, अब एक क्वेश्चन मैं लास्ट में तुम्हें देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी है, इसमें कुछ ऐड भी हुई है एक दो वीडियो बीच में, तो अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, यही रेजिस्टेंस था आर का, लेंथ, ठीक है, लेंथ थी उसकी एल और रेजिस्टेंस आर था, उसको सर्कल बनाया उसका, ऐसे आपको लगता होगा इतना बड़ा सर्कल कैसे बन जाएगा सर, तो छोटा बना देते हैं, ठीक है ये, और इन दो पॉइंट के बीच में पूछ रहे हैं, इन दो के नहीं, ऐसे एक पॉइंट है, ठीक है, थीट एंगल बना रहा है इन दो पॉइंट के बीच में, बताओ, ठीक है, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, बताओ इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो आज हमने रेजिस्टेंस के जितने केस पढ़ने थे बता लिए, अब रेजिस्टेंस की मिक्स ग्रुपिंग सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन जो आपने टेंथ में देखे थे उनके एडवांस वर्जन देखेंगे हम अगली क्लास में, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।